नमस्कार, मैं हूँ आयुष द्विवेदी और आप देख रहे हैं ऑन एयर भारत। आज वो दिन आ गया है जिससे आफ्ताब का गुनाह सामने आ सकता है, क्योंकि श्रद्धा हत्याकांड में आरोपी आफ्ताब का नार्को टेस्ट पुलिस हिरासत खत्म होने से पहले यानी आज किया जा सकता है। जहां पॉलीग्राफी टेस्ट FSL रोहिणी में और नार्को टेस्ट अम्बेडकर हॉस्पिटल में होगा, जहां पर पुलिस और डॉक्टर के साथ मनोवैज्ञानिक और FSL एक्सपर्ट्स भी मौजूद रहेंगे, जिनके सामने ये टेस्ट की प्रक्रिया की जाएगी। वही आफ्ताब से पूछताछ के लिए दिल्ली पुलिस भी पूरे तरह से तैयार है, जहां बताया जा रहा है कि कुल 50 सवालों की लिस्ट बनाई गई है, जिससे यह साबित हो सके कि आफ्ताब का श्रद्धा की हत्या के पीछे का क्या कारण था और किस तरह से उसने हत्या को अंजाम दिया था। क्योंकि पुलिस को अभी तक आफ्ताब के खिलाफ ऐसा एक भी सबूत नहीं मिल पाया है जिससे ये साबित हो सके कि उसने इस हत्या को अंजाम दिया था। इसका कारण ये भी है कि अभी तक पुलिस को हत्या के दौरान इस्तेमाल किया हुआ हथियार, श्रद्धा के घटना के समय पहने हुए कपड़े और श्रद्धा का सर कुछ भी बरामद नहीं हो पाया है, जिससे अब कुछ उम्मीद जताई जा रही है कि शायद इस टेस्ट के बाद कुछ अहम जानकारियां सामने आ सके। वही इस प्रक्रिया में उसे टेस्ट के पहले कुछ इंजेक्शन दिए जाएंगे, जिससे वो सेमी कॉन्शियस स्टेट में आकर सारे सवालों के जवाब दे दे जो वो अभी तक सबसे छुपा रहा है। हालांकि ये अभी भी बड़ा सवाल है कि पुलिस को क्या इस टेस्ट के बाद आरोपी आफ्ताब से केस को सॉल्व करने में कोई अहम जानकारी मिल पाती है या नहीं। ऐसे ही तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें ऑन एयर भारत।